पहाड़ों पर हो रही बारिश से यूपी में गंगा यमुना नदी उफान पर है। वाराणसी में 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से करीब 2 मीटर दूर है। यहां रविवार दोपहर गंगा का जल स्तर 71.81 मीटर दर्ज किया गया। वहीं 44 साल पहले आई बाढ़ के समय गंगा का जल स्तर 73.90 मीटर तक पहुंचा था। प्रयागराज में भी गंगा यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर है। वहीं दोनों जगहों पर करीब 15,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिया है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी 30 अगस्त तक यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज समेत 25 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बिजली की गरज चमक के साथ बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ समेत प्रदेश में ठंडी हवाएं भी चलेंगी, इससे गर्मी में काफी ज्यादा राहत मिलेगी। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 4.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो अनुमान से 25% कम है। वहीं जेपी गुप्ता बताते हैं कि मॉनसून का अंतिम समय है। मॉनसून शुरू होने से लेकर अब तक बहुत कम बरसात हुई है। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मॉनसून 25 शहरों में एक्टिव रहेगा। इसमें मुख्य रूप से मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, बरेली, हाथरस, आगरा, मैनपुरी, कानपुर, औरैया, झांसी, प्रयागराज, फतेहपुर, फुर्सतगंज, लखनऊ, बहराइच, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, बलिया, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में सोमवार को बादल की गरज चमक के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।